हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रहा दिल्ली का पार्ट टू। मेन गेट पे ही हमें ऑटो वाले भैया ने हमें उतार दिया था, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, यहाँ से आगे ऑटोज नहीं जाते हैं। हमने जैसे कि वीकेंड पे आया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और टिकट लेने के लिए तो हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा। ये रहा टिकट काउंटर। तो बेसिकली डी लाइन में थे टिकट के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़े से शॉट्स ले लूं। तो ये रहा, देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है यहाँ पर। यहाँ से भी बहुत अंदर जाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा ई रिक्शा काउंटर, जो कि हमने यहाँ से टिकट बाय किया है पर पर्सन 20, और इसके लिए भी हमें बहुत वेट करना पड़ा और फाइनली हमें मिल गया हमारा ई रिक्शा। और अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो बेसिकली टिकट काउंटर से रेड फोर्ट सिक्योरिटी गेट तक हमें शायद लगभग 500 मीटर्स चलना पड़ेगा। जो यंग है वो चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी नहीं चल सकते। हाँ, हमारे साथ मॉम एंड डैड है तो हमने प्रेफर किया ई रिक्शा। और सही बात तो ये है कि हमसे भी चला नहीं जाता इतना, तो डिपेंड है, आप चाहो तो लो या फिर उतना वॉक कर लो। और ये पहुंच गए हैं हम सिक्योरिटी गेट के पास। नहीं, वहाँ नहीं पहुंचे, यहाँ पर भी हमें यहीं पर छोड़ देते हैं। अभी हमें उतना सारा जाना पड़ेगा बाय वॉक। फिर बारी आई हमारे फ़ोटो सेशन की, तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हैं। रिक्शा छोड़े बाद भी हमें ये पता चला कि वहाँ से भी हमें अभी 100 मीटर्स बाय वॉक जाना पड़ेगा। और ये रहा हमारा सिक्योरिटी चेक एंट्रेंस। और ये आ गए हैं हम लाल किले के अंदर। भाई आपको ना यहाँ पर चलना बहुत है, तो अच्छा खासा खा के आए ताकि यहाँ चल सके। बोलते हैं ये सारा महल लाल पत्थर से बनाया गया हुआ है, इसलिए भी इसे लाल किला बोलते हैं।
और अब आता है मीना बाज़ार, जो कि ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पर बहुत वैरायटीज़ के शॉप्स लगे हुए रहते हैं, जैसे कि शॉल्स, नेकलेसेस, हैट्स, पता नहीं क्या क्या। और मैंने ना यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की है। दिल्ली में रहे तो हमें ये भी पता चला है कि दिल्ली में दो मीना बाज़ार है, जो कि ये एक है और एक न्यू दिल्ली या फिर ओल्ड दिल्ली में, पता नहीं कहाँ तो है। और हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली दिखेगा पर बाहर के कंपेयर करें तो, पर ठीक है ना, अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है तो बेहतर है कि हम वहीं से ख़रीद लें। मैंने हर शॉप से ना एक एक चीज़ तो ली ही है। और ये वाले जो पत्थर के ज्वेलरीज हैं ना, यहाँ पर बहुत सस्ते हैं, जो कि अपने हैदराबाद में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और हम अंदर आए बाद हमें लेफ्ट साइड पे मिलेगा म्यूज़ियम और राइट साइड में इतना बड़ा पार्क। तो इससे आगे का मैंने अंदर का कुछ शूट नहीं किया, ना म्यूज़ियम का, ना पार्क का और ना इसके आगे का। और जाते जाते हमें ये पार्क में इतनी क्यूट सी गिलहरी दिखी है और इतनी अच्छे से खा रही थी। तो ये वाली वीडियो दी ने शूट किया है, परफेक्ट शूट करती है मेरी बहन हर चीज़। और जाते जाते मुझे रील बनाना था तो मैंने ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे से शूट किया है।
और ये रही मेरी रिंग जो मैंने मीना बाज़ार से ली थी शो ऑफ करते हुए, और ये रही मैं अपनी लाइफ दिल्ली में एंजॉय करते हुए। और मैं ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।